अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके BTC DLED सेकंड सेमेस्टर एग्जाम डेट। जी हाँ दोस्तों, कब से आपके होंगे पेपर, चलिए दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कब से पेपर होने वाले हैं। और दोस्तों देखिए आपको पेपर की तैयारी कैसे करना है। काफी बच्चों ने दोस्तों शिकायत की कि सर हम पढ़ते बहुत है लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। होता है दोस्तों, काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों इसकी स्ट्रेटजी समझेंगे आज की, आपको कैसे तैयारी करें कि एक टॉपर्स और एक नॉर्मल बच्चे में अंतर क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि टॉपर्स क्या सोचते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनकी क्या होती है, पूरा टाइम शेड्यूल इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। अभी तक देखिए दोस्तों कोई भी ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग जो आपकी ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं हुआ, तो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जो आपके पेपर होंगे हम सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट बता सकते हैं कि अनुमानित कब से हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज और याद रखिए, आप लोगों को फौज से रहना है सावधान। तो हम फिर से कहेंगे दोस्तों, काफी बच्चे प्लान कर लेते हैं कि अभी पेपर नहीं हो रहा तो चलिए कहीं ट्रिप प्लान कर लेते हैं, गोवा घूम के आते हैं, शिमला चले जाते हैं, मनाली जाते हैं। लेकिन हाँ अभी आपको ध्यान रखना है, कहीं घूमना नहीं है, कभी भी आपके पेपर हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे उसके ऑफिशियल डेट आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। देखिए अभी हो क्या रहा है, हमने आपको पहली वीडियोस में काफी बार बताया कि आप लोगों का जो पेपर है ना 4 अगस्त से पहले नहीं हो सकता था। इसका रीजन था कि दोस्तों आप लोगों का जो एडमिशन फॉर्म चल रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि BTC 2019, जी हाँ दोस्तों इस बार दोस्तों BTC 2019 के लिए एडमिशन सभी कॉलेजेस में चल रहा है। तो सभी कॉलेज दोस्तों 4 अगस्त तक तो काफी बिजी होने वाला है, क्योंकि उस दिन तक सभी कॉलेज में एडमिशन लिए जाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो आपको पता है कि जब कॉलेजेस इतने ज्यादा व्यस्त होंगे तो पेपर कौन दिलाएगा, कहाँ पर जाएगा, कैसे मैनेजमेंट होगा। तो सभी को नए एडमिशन ज्यादा जरूरी होते हैं, सबको पता है कि नए बच्चे आएंगे, नए फीस आएगी, फिर से आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग का जो पेपर लेट हुआ है उसका मेन यही कारण था दोस्तों कि इस समय नए एडमिशन चल रहे हैं। और सबको पता था दोस्तों ये एडमिशन आपके 19 जुलाई से शुरू हो चुके हैं दोस्तों, और मतलब दोस्तों ऐसे डेट तो आप लोग की काउंसलिंग की शुरू हुई थी 17 तारीख से, 17 से 19 आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी, और 17 से लेके 4 मतलब 30 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग होनी थी और 4 अगस्त तक आपका एडमिशन होना है। छोड़िए वो सब बातों को, चलिए अब इस पर डिस्कस करते हैं कि पढ़ते बहुत है लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हो गए आपके मैथ हो गए, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, और दोस्तों आप एक हो गया साइंस। 3 सब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों जिस पर आपकी बैक लग सकती है, और किसी सब्जेक्ट में अगर आप बैक लगवाते हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि और किसी सब्जेक्ट में दोस्तों फिलहाल बैक नहीं आती बच्चों की। जो सबसे ज्यादा बैक आती है इन 3 सब्जेक्ट में आती है। अब पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश को लेकर दोस्तों बच्चे बिल्कुल डर कर बैठे हैं, इंग्लिश में क्या होगा कैसे होगा। इंग्लिश में दोस्तों देखिए होता क्या है, अगर आप लोग कोई चीज तैयार करें, अगर आपको दोस्तों लगता है कि आपकी किसी स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो रही है तो आपको उसको बार बार लिखना है। आपने याद होगा बचपन में आपको पनिशमेंट मिलती थी अगर आप कोई वर्ड्स या कुछ भूल जाते थे तो आपके सर या मैडम बोलते होंगे कि 50 बार लिख के लाना अगले इसको। 50 बार दोस्तों इसलिए आपको बोला जाता था कि आप 50 बार लिखेंगे तो वो वर्ड्स हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये फिर से कहेंगे आपको, अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं इंग्लिश में, किसी स्पेलिंग को भूल जाते हैं, तो उसको बार बार लिखे जिससे वो वर्ड्स याद हो जाए। अगर आपको दोस्तों इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती, जैसे इंग्लिश की स्पेलिंग होती है ENGLISH, तो दोस्तों काफी बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है दोस्तों, आज भी होती है, कल भी होती रहेगी, हमेशा होती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी स्पेलिंग, हम इंग्लिश वर्ड इसलिए लिए कि आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो कम से कम दोस्तों जिस भी वर्ड्स में अगर आपको दिक्कत लगे, स्पेलिंग भूल है, तो उसको कम से कम आप 10 बार लिखा करिए। 10 बार दोस्तों अगर कॉपी में लिख कर याद करेंगे तो वो याद ज्यादा होता है। देखिए टॉपर्स क्या करते हैं, वो हमेशा लिख कर पढ़ते हैं। जब भी देखेंगे दोस्तों उनके पास एक छोटी सी नोट होती है और उनके पास एक पेन होता है, तो आप लोग सोचेंगे ये टॉपर्स इसलिए होते हैं। और दोस्तों कुछ बच्चे सिर्फ फोन में देख कर पढ़ते हैं, अगर आप लोग दोस्तों उसको कॉपी पर नहीं लिखेंगे ना तो आपको याद कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप लोग इंटर तक आपने खुद भी पढ़ाई की होगी तो आपको दोस्तों स्कूल में नोट्स बनवाई जाती है लिखा लिखा करने, तो दोस्तों आपकी किताब में सब कुछ मटेरियल लिखा हुआ है उसको कॉपी पर क्यों लिखाया जाता है। वो इसीलिए लिखाया जाता है कि आप लोग जब जितना ज्यादा लिखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ घुसेगा। तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको दोस्तों लिख कर याद करना पड़ेगा, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, अगर आपको कोई वर्ड्स याद नहीं हो रहा है तो एक बार लिखिए, नहीं याद होता 100 बार लिख दीजिए दोस्तों, लाइफ टाइम याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप मरते दम तक। तो यही टॉपर्स करते हैं, उनके पास हमेशा एक छोटी सी डायरी होती है और एक पेन हमेशा लेकर चलते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों उसको हेडलाइट वो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग दोस्तों हाईलाइट करते, जैसे दोस्तों हाईलाइटर क्या होता है, आप लोग हाईलाइटर आपके पास आता होगा, खरीद लीजिएगा,
अगर कोई वर्ड था दोस्तों आप लोग पढ़ रहे तो जैसे दुख किए हमने मैथ क्या करें हाईलाइट कर दिया। तो दोस्तों जब आप लोग रिवीजन करेंगे ना इसका तो आपको ये बहुत फायदा मिलता है। खाली आप हाईलाइटर को देखते हैं कि हाँ भाई वहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी गई थी, जो हम भूल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है उसको हाईलाइट करते चलिए। ये सब तरीके अगर दोस्तों आप लोग अपना लेंगे तो पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। देखिए मैथ में क्या होता है बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है मैथ में, गलती कहाँ से होती है, आप लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं, जो आपको 200 सूत्र घटाया जाता है आप उसी को भूल जाएंगे, सूत्र नहीं याद होगा तो आप कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में। उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। देखिए जो बच्चे बीए या जिन्होंने मैथ या बायो बच्चे जो बायो लेते हैं वो बच्चे मैथ बहुत पहले छोड़ चुके होते हैं। अभी आपका देखिए आगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, तीन बड़े टेट आने वाले हैं जो अब तीनों आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देखिए यूपी टेट पास होंगे तो आप यूपी लेवल की सभी नौकरी आप पा सकेंगे, सी टेट पास होंगे तो ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी नौकरी पा सकेंगे, और सुपर टेट तो दोस्तों सुपर टेट के बाद ही आपको नौकरी मिलती है शिक्षक भर्ती में, जिसके 60% नंबर लिए जाते हैं। पेपर टाइम जब आपकी मेरिट बनती है ना, जैसे आपने बीटीसी में एडमिशन के समय मेरिट बनाई थी वैसे ही आपको नौकरी के समय मेरिट सिस्टम चलता है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है आज या इंग्लिश कमजोर है दोस्तों तो आने वाले टाइम में आपको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैथ से आप भाग नहीं सकते, ये दो सब्जेक्ट रहते हैं मैथ और इंग्लिश। अगर आपके दोस्त देखिए बहुत ही कठिन मैथ वहां पर भी नहीं आती, बहुत कठिन इंग्लिश वहां पर भी नहीं आती, लेकिन बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप लोग आज भी नौकरी पाएंगे कल भी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको मैथ और इंग्लिश नहीं आता तो आप कब तक भागेंगे। देखिए दोस्तों बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आप किसी ना किसी तरह क्लियर कर लेंगे जुगाड़ करके, लेकिन आगे चलकर आपको दिक्कत होगी। तो हम लोग दोस्तों देखिए अभी दोस्तों देखिए काफी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप बनाने वाले थे सारे ग्रुप दोस्तों फुल चल रहे हैं, तो दोस्तों जो नए ग्रुप बनेंगे वो बहुत ही जल्द बनेंगे। अब हम लोग कोशिश करेंगे जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा, थर्ड सेमेस्टर जैसे दोस्तों उसी समय दोस्तों तुरंत आप लोग का ग्रुप बना दिया जाएगा जैसे पेपर के बाद, जिससे कि हम लोग पहले दिन से पूरी तैयारी कर सके। तो उसके लिए आपको दोस्तों परेशान नहीं होना, क्योंकि अब तो पेपर का समय आ ही चुका है, आज नहीं तो कल आप लोग की दूसरी स्कीम डेट आ जाएगी। तो वैसे भी दोस्तों हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस बार, तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है अगला थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होते ही आप लोग के पास दोस्तों ग्रुप आप लोग जुड़ जाएंगे, और पहले दिन तो दोस्तों हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे मैथ के, उसमें क्वेश्चन आपके लिए रोज भेजे जाएंगे। देखिए हम लोग चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश दोस्तों जितना ज्यादा पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा ना, तभी आगे दोस्तों चल के आपके पास एक अच्छा सिलेबस होगा, अच्छा कोर्स होगा। मतलब कहने का क्या होता है, सिलेबस कोर्स से हमें नहीं मतलब होता, हमें मतलब होता है कि हम कितना ज्यादा पढ़ चुके हैं मैथ। मैथ आपको पता है दोस्तों सभी टीचर ने बचपन से आपको कहा होगा प्रैक्टिस करने से मैथ आती है, हर दिन एक सवाल का प्रैक्टिस करिए हर तरह के सवाल। दोस्तों देखिए मैथमेटिक्स बहुत कठिन है, जो बच्चे मैथ या साइंस साइड है ना उनको मैथ में दिक्कत नहीं आती, बीटीच में आपने देखा होगा वो मैथ कभी नहीं पढ़ते और हमेशा अच्छे नंबर लाते हैं, और जो बच्चे मैथ से नहीं है उन्हीं को मैथ में ज्यादा दिक्कत आती है और मैथ बैक भी आती है। अब मैथ में बैक ना, उसके लिए दोस्तों मैं तीन वीडियो आपके लिए फिलहाल बना रखी है। वीडियो तो दोस्तों मैं काफी बनाई, लेकिन तीन वीडियो दोस्तों ऐसी है ना कि अगर आपने उसको पढ़ लिया ना तो हमें नहीं लगता कि आपकी बैक कभी आनी चाहिए, क्योंकि तीन वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बहुविकल्पी भी 70 क्वेश्चन होंगे, अति लघु उत्तरी के कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, और 80 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरी के होंगे, लगभग 200 क्वेश्चन, और वीडियो दोस्तों होगी कम से कम आपकी 8 घंटे के करीब की होगी, हमें एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, 8 घंटे की होगी दोस्तों। तो इतनी बड़ी दोस्तों वीडियो है, उसके बाद अगर आपके बैक आती है तो इसमें आपकी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने अधिक से अधिक क्वेश्चन को समझाया आपको और एक भी ऐसे प्रश्न नहीं छोड़ा कि आप लोग को कोई दिक्कत हो मैथ में, इंग्लिश में और साइंस में, तीनों में दोस्तों हमने काफी मेहनत की है। और उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत हमने की है उतनी मेहनत आप भी करेंगे, वीडियो देखेंगे और उसको हर एक सवाल को अपने कॉपी पर लिख कर हल करेंगे, या तो वीडियो पहले आप दोस्तों एक बार देख लीजिए सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, उसके बाद अगर दोबारा जब वीडियो आप प्ले करेंगे दोस्तों ठीक है। देखिए वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में सेव करिए, जहां सेव कर सके कर सकते हैं। जब दोस्तों दोबारा सेकंड टाइम दोस्तों आप वीडियो रन करेंगे ना सेकंड टाइम, तो आप लोग दोस्तों खाली सवाल को पढ़ना है, वीडियो को आप पॉज करेंगे रुकेंगे, उसके बाद आप लोग आराम से सवाल को हल कर लेंगे, नहीं आता वीडियो को बढ़ाइए आंसर देखिए फिर उसके बाद दोस्तों दोबारा कोशिश करेंगे। तो ये तरीका अपनाना है आपको, सिर्फ वीडियो देखने से आप पास नहीं होंगे, मेहनत दोस्तों आपको ही करनी है, हमने तो पूरा मटेरियल आपको दे दिया है। अगर मैथ इंग्लिश और साइंस में बैक आती दोस्तों फिर तो हमें लगता है कि आपकी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों हमने जितना आपको मैथ इंग्लिश और साइंस तीन सब्जेक्ट में हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो जितनी भी उपलब्ध है उतने से आपके लिए सफिशियंट है, कम से कम आपके 20 नंबर तो आराम से कहीं नहीं जाएंगे। अब बाकी के 5 नंबर दोस्तों क्या होते हैं, वो आपकी अपनी मेहनत से आते हैं, मेहनत का मतलब आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत दोस्तों बुक्स भी आपको देखनी पड़ती है, थोड़ा मटेरियल उधर से मिलता है। लेकिन हाँ मैथमेटिक्स में दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 25 में 25 जो हमने चैनल पर जितने भी कॉन्सेप्ट बता रखे हैं उससे बाहर का तो हमें नहीं लगता कुछ आने वाला है, तो आप लोग उतना ही पढ़ लीजिए, आपके पास 25 में 25 का पूरा चार्ट रहेगा। इंग्लिश में दोस्तों
20+ या 25 तक भी दोस्तों बच्चे पहुंच सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोस्तों मॉडल पेपर हमने भी आपको समझा रखा है। क्वेश्चन थोड़े चेंजेस होंगे, देखिए कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आता, आपको ये बात पता होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन तरीका वही होता है। अब ग्रामर में दोस्तों कभी तरीका नहीं बदलने वाला, प्रैक्टिस चाहे जितनी कर लीजिए आप, तरीका नहीं बदलता। अब दोस्तों काफी बच्चे, चलिए ठीक है आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड डेट भी बता देते, नहीं तो काफी बच्चे कहेंगे सर डेट आप नहीं बता रहे हैं और हमें तो काफी कुछ आता है। तो दोस्तों लेकिन जिन बच्चों को आता है या ना आता हो, एक काम करेंगे आप लोग, आज से जो भी सब्जेक्ट में आपको भूल जाते हो तो उसको लिख कर याद करना शुरू कर दीजिए। गारंटी है दोस्तों आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना 100% बेटर रिजल्ट होगा आपके पास, अगर लिख कर आप पढ़ना शुरू कर दें आज से। तो जो क्वेश्चन भूलते हो एक बार लिखिए, नहीं याद होता कोई बात नहीं, एक बार भी किसी को नहीं याद होता, दो बार लिखिए नहीं होता, पांच बार लिख दीजिए नहीं होता दोस्तों, ठीक है 10 बार लिखिए दोस्तों, उसके बाद कैसे याद नहीं होगा। 11वीं बार दोस्तों जब आप लिखेंगे ना तो आपको देख के लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन देखते रहिए, जब लिखते रहे तो आपको देख के समझना भी है, ऐसा नहीं है कि खाली आप ईयरफोन लगा ले कान में और गाना चल रहा है और देख के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तब आप लोग जब 11वीं बार लिखेंगे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर याद हो जाएगा आपको, और वैसे याद करते करते दोस्तों एक समय आपका हैबिट्स आ जाएगा, जब आप पहले से दूसरी बार में, जब बच्चे सीख जाते हैं तो पहले से दूसरी बार में दोस्तों आप लोग सही आंसर लिखना सीख जाएंगे। एक बार में मतलब याद करेंगे, दूसरी बार आपको बिल्कुल सही रिटन डाटा आपको मिलेगा, लेकिन हाँ उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज 11 बार लिखेंगे तो कल दूसरी बार में सही रिजल्ट पाएंगे। अब देखिए दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट की बात करा जाए हम लोग, तो फिलहाल अब आपका पेपर देखो दोस्तों फिलहाल 4 अगस्त से पहले तो नहीं हो सकता, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। 4 अगस्त को दोस्तों आपको फिलहाल पढ़ रहा है मंगलवार, ठीक है, सॉरी सॉरी दोस्तों 4 अगस्त को आपको फिलहाल पड़ेगा भाई संडे, ठीक है रविवार। तो उस अगले वीक में जो अगला दोस्तों हमारा वीक शुरू होगा, अगला हफ्ता शुरू होगा, उसमें दोस्तों हम लोग पूरे चांसेस है कि हमारा पेपर हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जैसे कोई भी ऑफिशियल डेट आएगी दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग सही न्यूज देख पाए, नहीं तो आप लोग होता है गलत गलत स्कीमें देखकर परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं। और दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, अगर आपको समझ में कुछ ना आए तो आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करिए तुरंत, वहां से भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां से आप लोग लाखों रुपए देते हैं तो वहां से भी एक बार आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और पढ़ाई करते रहिए।